नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ट्राई दीज में क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे माइनस जेड प्लस 5 फिर कॉमा लगा हुआ है, ठीक। तो माइनस जेड प्लस 5 के बाद कॉमा लगा, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट पॉलीनोमियल लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट पॉलीनोमियल लिखा है y प्लस जेड प्लस 100। ओके, उसके बाद कॉमा लगा है, फिर ए बी माइनस ए सी, फिर कॉमा लगा है 17, यानी कि टोटल आपको इन्होंने कितने पॉलीनोमियल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो कॉमा जहां जहां से लगा है वहां से पॉलीनोमियल सेपरेटेड है, ठीक। अब इन पॉलीनोमियल्स के बच्चों आपको नाम यहां पर बताने हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए, आप लोग वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके बताइए कि इसके नाम क्या होंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा, देख कितने टर्म है, 1 2 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा, बायनोमियल। टू टर्म्स होंगे तो क्या कहलाता है, बायनोमियल। ओके, यहाँ देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3rd टर्म, 1 2 3 3 टर्म्स हैं टोटल, तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, टोटल 3 टर्म है, तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद देखिए कितने टर्म्स हैं, ए बी फर्स्ट टर्म है और ए सी माइनस ए सी सेकेंड टर्म है ना, या फिर ए सी आप बोल सकते हो सेकेंड टर्म है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, बायनोमियल। टू टर्म्स हैं इसलिए बायनोमियल। ओके, नेक्स्ट है 17, अकेला लिखा हुआ है, ठीक, ओनली 1 टर्म है, तो ये हो जाएगा क्या, मोनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं ट्राई दिस के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नोट कर लीजिए।